हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। और इलेक्ट्रिक सेल अगर किसी भी परिपथ में लगा हो तो वो विभवांतर को स्थिर रखकर धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। अगर देखिए कोई भी परिपथ हो और उसमें एक सेल लगा हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस सेल से हमको पर्याप्त धारा मिल जाएगी। एक सेल के द्वारा जो धारा मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है। अगर हमको प्रबल धारा की आवश्यकता है तो हम कई सेलों को संयोजित करते हैं और संयोजन के पश्चात हमको प्रबल धारा मिल जाती है। उसके लिए देख लीजिए कुछ नियम हैं और क्रम वाइज हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार सेलों को संयोजित करते हैं। तो जो हमारा पहला है वो पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, फर्स्ट जो हमारा है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। इसके लिए देखिए एक आपका सर्किट शो किया गया है यहाँ पर, और इसमें यन समरूप सेलें श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। यन समरूप सेलें श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। देखिए, इसमें पूछा जाता है कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि जब एक सेल के निगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, तथा अगले के निगेटिव को अगले के पॉजिटिव से, और इसके निगेटिव को फिर अगले के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तथा पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को और लास्ट वाले सेल के निगेटिव टर्मिनल से जो है हम लोग लोड लगा देते हैं, तो ये जो हमारा होता है कॉम्बिनेशन, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए, इसमें यन समरूप सेल लिए गए हैं और प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल E है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, और प्रत्येक सेल का, आप लोगों को बताया गया था कि सेल के घोल के अंदर प्रतिरोध लगता है धारा के मार्ग में, और जो उसके अंदर प्रतिरोध लगता है उसको आप कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो ये R जो है आंतरिक प्रतिरोध है, और प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है। अब अगर मान लें कि इस परिपथ में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई की वैल्यू हमको फाइंड करना है। उसके लिए देखिए, हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल अगर देखा जाए, कुल विद्युत वाहक बल ध्यान दीजिए, सेलों की जो संख्या है वो कितनी है, यन है, यन सेल हैं, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। और सबसे बड़ी बात कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर समांतर क्रम में जुड़ा होता तब तो पूरे सर्किट का ईएमएफ हम ई ही लेते, विद्युत वाहक बल ई ही लेते, लेकिन श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो दोनों सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल होगा पूरे परिपथ का, वो हो जाएगा E प्लस E प्लस E प्लस E, कहाँ तक, यन तक। यानी जो कुल ईएमएफ मिला वो हमको मिल गया कुल विद्युत वाहक बल बराबर किसके, यन E के। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कुल प्रतिरोध का। कुल प्रतिरोध के लिए देखिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितने भी हैं, आंतरिक प्रतिरोध जितने हैं सेल के, ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और उसके साथ ये कैपिटल आर भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब देखिए, हम लोग निकाल लेते हैं कुल, पहले निकाल लेते हैं कुल आंतरिक प्रतिरोध। जब निकालते हैं तो सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, कहाँ तक, यन तक। हमको पता है श्रेणी क्रम संयोजन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। अब देखिएगा, R प्लस R यन तक है, तो ये हो जाएगा यन R। अब ये जो यन R निकला है, ये यन R कुल आंतरिक प्रतिरोध है, और हमको चाहिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध देखिए कितना निकल रहा है, कुल प्रतिरोध निकलेगा यन आर प्लस लोड रेजिस्टेंस आपका है कैपिटल आर। और हमको अगर करंट की वैल्यू निकालनी है, आई इक्वल टू, तो आई बराबर हम लोग लिखते हैं कुल विद्युत वाहक बल
बटे कुल कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, और I बराबर कुल विद्युत वाहक बल देख लो कितना है एन ई, और कुल प्रतिरोध कितना है एन आर प्लस कैपिटल R। तो करंट के लिए जो है ये व्यंजक हमको मिला। देखिए इसमें स्पेशल कंडीशन भी कुछ देख लेते हैं कि किस कंडीशन में हम सेलों को सीरीज कम्बिनेशन में एडजस्ट करेंगे। ये करंट के लिए तो हमारा फार्मूला मिल गया है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए, चलिए यहाँ पर शो कर दिया जा रहा है स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस में देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन है यदि आपसे कहा जाए यदि NR इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल R, ध्यान दीजिएगा NR इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इस कंडीशन में आप कैपिटल R को नगद ले सकते हो, क्योंकि NR का मान कैपिटल R की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। और जब इसको नगद लेंगे तो देखिए I के लिए आपको फार्मूला क्या मिलेगा, NE अपान NR प्लस कैपिटल R को नगद लेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, और I बराबर मिलेगा NE अपान NR, N से N कैंसल, बराबर E बाई R। देखिए ये जो I बराबर मिला, इसको ध्यान दीजिएगा, I बराबर मिला E बाई R। अब आपको देखना कि E बाई R है क्या चीज़। अगर आप परिपथ में N सेल ना लगाते, ध्यान दीजिएगा, अगर परिपथ में आप N सेल ना लगाते, केवल आपके परिपथ में एक ही सेल होता, और एक सेल होता जो लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस का मान वैसे भी बहुत कम है, तो ये प्रभावहीन आपका हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर आप लिखे हो, इसका मान बहुत कम है, और एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है स्मॉल R, और विद्युत वाहक बल है E। तब हम कहते कि बताइए परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप कहते परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना था, E था, क्योंकि एक है सेल है, और प्रतिरोध कितना है स्मॉल R, तो E बाई R ये जो मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, एक सेल के द्वारा प्राप्त धारा। और इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये तो एन सेल है, एन सेल लगाने के बावजूद भी अगर कंडीशन ये होता है तो हमको जो धारा का मान मिलता है उतनी ही धारा मिलती है जितनी की धारा एक सेल से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए इस कंडीशन में जब भी एन आर इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर कंडीशन दिया जाए, तो इस कंडीशन में हम सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं करते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजित संयोजन में कोई लाभ हमको नहीं होता है। जितनी धारा एक सेल से प्राप्त होती है उतनी ही धारा हमको एन सेलों से प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। चलिए दूसरा स्पेशल कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन देखिएगा, दूसरे कंडीशन में इसी का उल्टा अगर कह दिया जाए, कैपिटल R इज मोर ग्रेटर देन एन आर, इस कंडीशन में देख लीजिए क्या हमको श्रेणी क्रम में जोड़ने से फायदा हो जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन है, देखिए अब की बार नगण हम किसको लेंगे, एन आर को लेंगे, क्योंकि एन आर का मान कैपिटल R की अपेक्षा बहुत कम है। तो ये इक्वेशन देखिएगा, इसी इक्वेशन में हम वो वैल्यू रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आई बराबर हमारा जो मिलेगा, आई बराबर एन ई NE अपान, यहां पर देखिए NR, आप वहां पर लिखे हो कैपिटल R इज मोर ग्रेटर देन NR, यानी NR के स्थान पर नगण लिया जा सकता है, प्लस कितना कैपिटल R, I बराबर कितना मिल रहा है NE बाई R। अब यहां पर आप देखिए E बाई R को देखिए, अगर आपके पास एक मिनट, लाइट कट गई थी, देखिए I बराबर N इंटू में E बाई R, ये E बाई R क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा का मान है, E बाई R एक सेल से प्राप्त धारा का मान है, लेकिन आगे क्या लगा है N, अगर N सेल हम लगा दें तो एक सेल से जितनी धारा मिल रही थी N सेल से N गुनी धारा मिल जाएगी पहले की। अब देखिएगा इससे क्या फायदा हुआ, इससे तो अगर हम जितने सेल लगाते चाहेंगे धारक मान बढ़ता जाएगा, और धारक मान बढ़ता जाएगा, हमारा टारगेट क्या, हमारा गोल क्या है कि हम प्रबल करंट को अचीव कर सकें, तो
प्रबल धारा तो यहां से मिल जाएगी ना, अतः जब भी ये कंडीशन दिया रहेगा, तो इस कंडीशन में हम सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, इससे हमारा लाभ होता है, धारा का मान बढ़ जाता है। देखिए अगला हम लोग देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, तो इसको इरेज कर रहे हैं। देखिएगा आगे समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में देखिए यहां पर भी फिगर ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहां पर देखिए समांतर क्रम संयोजन अगर कोई पूछे क्या होता है, तो यहां पे आपको कहना पड़ेगा कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को किसी एक बिंदु से और निगेटिव टर्मिनल के किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, और उन बिंदुओं से लोड को लगा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर सेल लिया गया, ये आपका हो गया निगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, और सेलें इसी तरह से संयोजित किए गए हैं, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, और भी सेल इस तरह से समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। इसमें देखिए इसी तरह से इसमें यन सेल संयोजित किए गए हैं, यन समरूप सेल संयोजित किए, यहाँ लिख देते हैं यन समरूप सेल संयोजित किया गया है। अब इसमें देखिएगा यन समरूप सेलें संयोजित किए गए हैं, प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है E, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है E, और आंतरिक प्रतिरोध है R, आंतरिक प्रतिरोध सबका R है। मान लेते हैं कि इस परिपथ में धारा का जो प्रवाह होता है वो I धारा प्रवाहित होती है, ये लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल R, यहाँ पर एक कुंजी है K। अब इसमें देखिए अगर इसमें आपसे हम पूछे कुल विद्युत वाहक बल कितना है, पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल पूछा जाए, कुल विद्युत वाहक बल देखिएगा, कुल विद्युत वाहक बल अगर आपसे पूछें तो यहाँ पर एन ई नहीं कहना है, क्योंकि सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, और अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो पूरे परिपथ का भी विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई होगा। और अगर हम कहें कि परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, कुल आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर लिख लेते हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध तो देखिएगा, मान लेते हैं कि कुल आंतरिक प्रतिरोध आर डैश है, तो सब समांतर क्रम में जुड़े हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए। देखिए आप लोगों को बताया गया था कि अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो 1/r' अगर मानते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो सब r है, r करके कहां तक, n पदों तक, क्योंकि n सेल जुड़े हैं। यहां से अगर r' का मान हम लोग निकालते हैं तो 1/r' का मिलेगा n/r, और r' का मान निकालते हैं तो r' का मान आएगा यहाँ से r/n। R' यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान यही लिख दे रहे हैं, R' बराबर R/N। ये देख लीजिए आपका निकलेगा कुल आंतरिक प्रतिरोध R' बराबर R/N। आगे देखिएगा हमको पुनः निकालना है करंट की वैल्यू जब निकालते हैं I बराबर पुनः वही हम फार्मूला लिखते हैं, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो देखिए I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है E, और कुल प्रतिरोध कितना है R/N, कुल आंतरिक प्रतिरोध है, और इससे सीरीज कम्बिनेशन में लोड भी लगा है, और लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल R, तो I बराबर इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा N R E अपान आर
प्लस एन आर बाई एन, एन गया ऊपर, एन ई बाई स्मॉल आर प्लस एन आर। ये देखिए यहाँ पर करंट के लिए जो फार्मूला आपके हमको मिला, ये मिला है। यहाँ पर भी हम स्पेशल कंडीशन देखते हैं, इसके लिए भी देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए यदि एन आर इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल आर, देखिए एन आर का मान इससे बहुत ज़्यादा हो तो इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं, और जब इसको नगण्य मानेंगे कितना मिलेगा, आई बराबर एन ई अपान आर के स्थान पर नगण्य जीरो प्लस एन आर प्लस एन आर, एन से एन कैंसिल होगा, आई बराबर जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर मिल रहा है ई बाई आर। देखिए पुनः आप देखिएगा ये ई बाई आर क्या है, अगर स्मॉल आर की वैल्यू नगण्य है, स्मॉल आर की वैल्यू सब में नगण्य है, तो ये जो ई बाई आर मिला ये भी तो एक सेल के द्वारा प्राप्त धारा है, जबकि परिपथ में हम कितने सेल जोड़े हैं, एन सेल जोड़े हैं। और अगर हम चाहे एन सेल जोड़ें, एन का मतलब कोई भी कितना भी सेल जोड़ें, 10 सेल जोड़ें, 20 सेल जोड़ें, 50 सेल जोड़ें, अगर 10, 20, 50 सेल जोड़ते हैं तब भी हमको इतनी ही धारा मिल रही है, और परिपथ में अगर एक सेल होता है तब भी इतनी धारा मिल रही है। तो इस शर्त के अनुसार हम सेल को समांतर क्रम में नहीं संयोजित कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। जितनी धारा एक सेल से प्राप्त होती है उतनी धारा एन सेल प्राप्त होती है, तो हमारा कोई लाभ नहीं होगा। इस वजह से इस कंडीशन पर हम सेल को समांतर क्रम में संयोजित नहीं करेंगे। देखिए दूसरा कंडीशन यहाँ पर इसी का उल्टा लेते हैं। अगर आपका कहा जाए कि स्मॉल आर इज मोर ग्रेटर देन एन आर, इस कंडीशन पर देखिए, इस कंडीशन पर जो करंट के लिए आपका इक्वेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, आई बराबर एन ई अपान, अब की बार एन आर के स्थान पर नगण्य लेना है, आर प्लस एन आर, ये हम क्या ले रहे हैं, नगण्य ले रहे हैं, नगण लेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। और आई के लिए देख लीजिए फाइनल इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा एन इंटू में ई बाई आर। अब देखिए ई बाई आर क्या है, चूंकि कैपिटल आर की वैल्यू बहुत कम है, जब इसकी वैल्यू बहुत कम है तो जो हमारा एक सेल के लिए प्रभावी प्रतिरोध हो रहा है वो स्मॉल आर हो रहा है, और एक सेल का ईएमएफ जो है विद्युत वाहक बल जो है वो ई है, तो ई बाई स्मॉल आर एक सेल के द्वारा प्राप्त धारा है। और यहाँ पर क्या आगे है, एन, एन क्या है, एन सेलों की संख्या है, तो अगर हमारे पास सेलों की संख्या एन है तो परिपथ में जो धारा का मान होता है एक सेल की अपेक्षा कितनी गुनी मिल रही है यहाँ पर, एन गुनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये शर्त दी जाए तो इस शर्त के अनुसार हम लोग सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, जिससे कि हमारा लाभ होता है, प्रबल धारा हमको प्राप्त हो जाती है। तो अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसको आप रफली नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अगला कंडीशन जो हमारा है वो देख लीजिए है मिक्स्ड कम्बिनेशन, मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम क्या होता है, ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों क्रम दिखाए जाएं। देखिए मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम में देखिएगा यहां पर फिगर देख लीजिए, इसके लिए भी इसमें देख लीजिए हमको श्रेणी क्रम संयोजन भी शो करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से सेल प्रदर्शित किए गए हैं, लगाए गए हैं, या आप कह सकते हो इस तरह से देखिए आपका सेल एडजस्ट किया गया है। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से सेल लगाए गए हैं, यहाँ देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बीच में डॉट दिखाया गया है इसका मतलब है कि इसमें इस पंक्ति में जो सेलों की संख्या है वो एन है, एन समरूप, एन समरूप सेलें एडजस्ट किए गए हैं। एक तो
यन समरूप सेलें ये सब देख लीजिए, आपका अस्पष्ट हो रहा है कि किस कॉम्बिनेशन में है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में एकदम दिख रहा है और इसके साथ साथ समांतर क्रम में भी ये यन समरूप सेलें एडजस्ट किए गए हैं और सेलें इस तरह से जोड़ते जाते हैं इसमें। और ये देख लीजिए कुछ इस तरह से जोड़ते जाते हैं उतने ही सेल, यहाँ से भी जोड़ते जाते हैं उतने ही सेल, यहाँ से भी कुछ जोड़ते जाते हैं उस तरह से सेल, और ये चलता रहता है यम पंक्तियों तक, यम पंक्तियों तक इसको हम लोग जोड़ते हैं। अब इसमें देखिए हमको जो इसका पहला टर्मिनल है इसको और लास्ट वाला जो पॉइंट है यानी नेगेटिव, सभी नेगेटिव टर्मिनल का, उसको हम लोग लोड से लगा देते हैं, उसको लोड से लगा देते हैं कुछ इस तरह से कुंजी के द्वारा। और अब देखते हैं कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये आई धारा प्रवाहित हो रही है देखिए इसमें पूरे परिपथ में। अब हमको आई धारा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए निकालना पड़ेगा कि सबका रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए यन समरूप सेलें, अगर समरूप सेल है तो प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है, जो ईएमएफ है, वो कितना होगा, ई होगा। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई होगा। और मान लेते हैं प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है स्मॉल आर, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा वो कितना होगा, ई होगा। अब यन समरूप सेलें श्रेणी क्रम में संयोजित हैं इस तरह से देखिएगा, तो अगर हम कहें कि बताइए कि इसमें कुल विद्युत वाहक बल कितना है, तो आप बता सकते हो कुल विद्युत वाहक बल इसमें है एन ई, उसके बाद एन ई इसमें है, एन ई इसमें है, एन ई इसमें है, एन ई इसमें है, इसी तरह से और भी अभी हैं यम पंक्तियों तक एन ई सब में है, लेकिन ये सभी एन ई समांतर क्रम में एडजस्ट हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल जो हमारा होगा वो एन ई ही होगा। देखिए इसमें यन ई एक का हुआ, बाकी सब तो समांतर क्रम में है, और अगर समांतर क्रम में है तो अभी जैसे आप लिए थे कि समांतर क्रम संयोजन में ई था तो सबका ई लिए थे, यहां पर एक में देख लीजिए कितना यन ई है, तो सब समांतर क्रम संयोजन में है तो सबका विद्युत वाहक बल जो होगा पूरे परिपथ का वो हो जाएगा यन ई। लिख लेते हैं परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर एन ई, कुल विद्युत वाहक बल बराबर एन ई। अब हम बात करते हैं कुल प्रतिरोध कितना है। देखिए इसमें कुल आंतरिक प्रतिरोध की पहले बात कर लेते हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसमें, एक क्रम में अगर हम लोग जाते हैं एन तक तो इसमें देख लीजिए कितने, कितना आंतरिक प्रतिरोध है, R प्लस R प्लस R श्रेणी क्रम में है, R प्लस R प्लस R कहाँ तक, N तक, तो कितना प्रतिरोध हुआ, N R हुआ। लेकिन ये N R, ये N R, ये N R, ये N R सभी यम पंक्तियों तक N R किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो मान लेते हैं कि कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है R डैश है। माना, माना कुल आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध स्मॉल आर डैश है, तब एक बटे स्मॉल आर डैश बराबर, देखिए इसका पूरे का कितना निकला था, आर एन या एन आर, एन आर प्लस इसका कितना निकला, एन आर प्लस एन आर प्लस एन आर कहाँ तक, यम पंक्तियों तक, कहाँ तक, यम पंक्तियों तक। तो यहाँ से हम एक बटे आर डैश का मान निकालते हैं, तो एक बटे आर डैश का मान कितना मिलेगा, यम बटे एन आर, और आर डैश का मान निकालते हैं तो मिलेगा एन आर बटे यम। ये मिला हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये मिला कुल आंतरिक प्रतिरोध। अगर हम बात करते हैं कुल प्रतिरोध की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जो हमारा आ रहा है वो कितना आएगा, लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर कुंजी के, तो एन आर बाई एम प्लस लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये जो हमारा मिला ये मिल गया टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये मिल गया। अब देखिए आगे हम लोग इसमें
स्पेशल कंडीशन पढ़ते हैं। स्पेशल कंडीशन देखिएगा कि कब हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में एडजस्ट करेंगे। स्पेशल कंडीशन देखिएगा, इसमें यदि यदि या करंट निकाल लो, पहले करंट निकाल लीजिए, I बराबर निकाल लीजिए। I बराबर आपका क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। और देखिए कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल विद्युत वाहक बल निकाले हो एन ई, और कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध है एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करते हैं आई बराबर कितना मिलेगा, एम आर हो जाएगा यहाँ पर, एन ई एन ई एन ई अपान यहाँ पर एन आर प्लस एम आर बाई एम, एम गया ऊपर एम, एन ई अपान एन आर प्लस एम आर। ये देख लीजिए करंट के लिए आपका व्यंजक मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए कोई भी कम्बिनेशन अगर हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीरीज कम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कम्बिनेशन हो, हमारा गोल क्या है कि किस तरह से हमको प्रबल धारा मिल सकती है। तो इसमें देख लीजिए, अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि ये जो मिक्स्ड कम्बिनेशन है इसमें प्रबल धारा हमको कब मिल सकती है, तो आप ये इक्वेशन देख के बता सकते हो कि प्रबल धारा कब मिल सकती है। इक्वेशन देखकर हम कैसे बता सकते हैं, ये देख लीजिए, नीचे आपका लिखा गया एन आर प्लस एम आर, ध्यान दीजिएगा यहां पर नीचे लिखा गया एन आर प्लस एम आर। जब इसकी वैल्यू न्यूनतम होगी, इसकी वैल्यू जब न्यूनतम होगी उस कंडीशन में हमको धारा का मान जो मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा। जब इसकी वैल्यू न्यूनतम होगी तो उस कंडीशन में धारा का मान अधिकतम मिलेगा। तो इसके न्यूनतम वैल्यू के लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करके देख लीजिए, थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन आर प्लस एम आर, एन आर प्लस एम आर को लिख सकते हैं अंडर रूट एन आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर स्क्वायर, कैपिटल है इसका स्क्वायर, फिर माइनस टू रूट एन आर रूट एम आर, फिर हम कर सकते हैं प्लस प्लस टू रूट एन आर इंटू में रूट एम आर। देखिए इतना लिखा जा सकता है इसको, इसका स्क्वायर करेंगे एन आर मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे एम आर मिलेगा, और ये टू रूट एन आर एम आर इससे प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इतना ही हमको मिलेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर देखिएगा राइट हैंड साइड को देखिएगा, इसको लिख सकते हैं एन आर माइनस एम आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस टू रूट एन आर इंटू एम आर एम आर। देखिएगा हम क्या कह रहे हैं कि इसका हमको न्यूनतम मान चाहिए, इसका न्यूनतम मान अगर चाहिए तो ये बराबर है, ये बराबर है इसके, इसका न्यूनतम मान बराबर इसके न्यूनतम मान के। और ये बताओ इसका न्यूनतम मान कितना होगा, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, संभव है कि ये कभी जीरो हो जाए, संभव नहीं है कि ये जीरो हो सकता है, तो संभव क्या है कि ये जीरो हो सकता है, यानी न्यूनतम मान जो इसका होगा, इसके न्यूनतम मान के लिए हम लोग कह सकते हैं एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर बराबर जीरो। और अगर इतना बराबर जीरो है, एन आर माइनस एम आर बराबर जीरो कर सकते हैं, अगर इतना बराबर जीरो है तो एन आर बराबर किसके, एन आर बराबर किसके, एम आर के, एन आर बराबर किसके, एम आर के। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग कंडीशन ये लगा रहे हैं, आई बराबर हमको मिल चुका है, आई बराबर कितना मिला है, एम एन ई अपान
एन आर प्लस एम आर। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जब एन आर और एम आर दोनों आपस में बराबर हैं तो हमको कितनी करंट मिलेगी, हम मैक्सिमम करंट के लिए अब कंडीशन लिख रहे हैं। इसको मिटा दिया जा रहा है, देखिएगा जहां एन आर है उसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, एम आर कर सकते हैं ना, यम एन ई बटे एन आर के स्थान पर एम आर, एम आर जब रखेंगे तो देखिएगा एम आर प्लस एम आर अर्थात कितना 2mr नीचे होगा, लिख सकते हैं यहां पर कितना 2mr। अथवा एक चीज और लिख सकते हैं, यहां पर वैल्यू nr के स्थान पर mr हम लोग रखे हैं, अगर हम चाहें तो mr के स्थान पर वैल्यू रख सकते हैं कितना nr रख सकते हैं, nr रखते हैं तब कितना आएगा, देखिएगा m n e बटे अगर nr रखते हैं तो हो जाएगा, इसके स्थान पर nr तो है ही पहले और इसके स्थान पर जब nr रखेंगे तो nr प्लस nr, देखिए nr प्लस nr बराबर कितना 2nr। अब यहां से देखिए n से n कट रहा है, यहां m से m कट रहा है और i बराबर हमको कितना मिला, i बराबर हमको मिल रहा है ne, ne बटे 2r, ne by 2r बराबर me by 2 स्मॉल r। ये जो करंट मिल रही है, ये करंट देख लीजिए हमको कौन सी करंट मिल रही है, आप कंडीशन क्या लगाए थे अधिकतम धारा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई मैक्स, मैक्सिमम करंट के लिए ये हमको कंडीशन मिलेगा। तो आप इसको नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। इसमें देख लीजिए एक कंडीशन और हमारा बच रहा है, एक कंडीशन बच रहा है पावर निकालने के लिए, पावर देख लेते हैं कि किस तरह से निकलेगा। यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में बैटरी द्वारा जो लोड प्रतिरोध को स्थानांतरित शक्ति होती है वो भी अधिकतम होती है, अगर शक्ति भी अधिकतम है, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें अधिकतम शक्ति अगर हमको निकालना है तो पहले तो हम करंट के लिए देख लेते हैं, आई बराबर हमारा क्या मिला था, यम यन ई अपान यन आर प्लस यम आर, ये हमको मिला था, यम कैपिटल आर था, यम आर ये वैल्यू हमको मिला था इस तरह से। अब कितना पावर है, पावर के लिए देख लीजिए हम लोग निकाल सकते हैं, पी बराबर पढ़े हैं आई स्क्वायर आर, पी बराबर पढ़े हैं आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर आई का मान रख लेते हैं, यहां पर आई का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, पी बराबर आई का मान इतना है यम, इसको देख लीजिए अगर चाहे तो इसका एक फॉर्म और हम लोग शो कर सकते हैं, यहां पर ई बटे आई बराबर ई बटे यम एन एन आर बाई यम एन कर सकते हैं प्लस यम आर बाई यम एन कर सकते हैं इस तरह से, यहां से एन कैंसिल, यहां से एम कैंसिल, आई बराबर कितना मिला ई अपान मिला आर बाई एन प्लस यहां पर मिल रहा है हमको कैपिटल आर बाई कैपिटल आर बाई यहां पे एम बचा है और यहां पर बच रहा है एन कैपिटल आर बाई एन। देखिए अभी आप लोग निकाले थे यहां पर फार्मूला आर डैश का, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था एन आर बाई एम आया था, एन आर बाई एम आया था, और एक चीज और मिला था एम आर बराबर एन आर के मिला था जब अभी करंट मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन निकाल रहे थे, और इसी दशा में पावर भी मैक्सिमम है। तो यहां पर देखिए आर बाई एम स्मॉल आर बाई एम बराबर कैपिटल आर बाई एन, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये चीज, अगर इतना लिख सकते हैं तो यही वैल्यू इसमें रखते हैं आई के लिए, आई में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, आई में रखते हैं बराबर हो जाएगा ई बटे आर स्क्वायर, या अभी अभी रहने देते हैं पावर के लिए स्क्वायर होगा, यहाँ पर रखते हैं आर बाई एम के स्थान पर कैपिटल आर बाई एन, कैपिटल आर बाई एन प्लस कैपिटल आर बाई एन, तो हो जाएगा 2R बाई एन, ये मिलेगा 2R बाई एन e बटे 2R बाई एन, एन कहाँ गया ऊपर, एन ई बाई
2R यहाँ पर देखिए मिल रहा है, या इसके लिए एक और इक्वेशन मिलेगा। एक और इक्वेशन क्या मिलेगा, E बाई, यहाँ पर हम लोग मान किसके स्थान पर रखे थे, R बाई एम के स्थान पर रखे थे। अगर यहाँ पर मान रख ले कैपिटल R बाई एन के स्थान पर, तो R बाई एम रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा मान मिलेगा एन ई एम ई, सॉरी एम वाला वैल्यू रख रहे हैं आपकी बार, मिलेगा एम ई बाई टू टू स्मॉलर। अगर हम वैल्यू इसके स्थान पर ये वाला मान रख दें तो हमको आई के लिए इतना मान मिलेगा। अब देख लीजिए आई के ये दो मान हमको मिल रहे हैं, चाहे दोनों मान हम लिख सकते हैं, और हमको पावर निकालना है। पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर, आई का मान रखते हैं एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपान फोर आर स्क्वायर इंटू आर बराबर। अगर रखना चाहे तो ये वाला मान भी रख सकते हैं, ये वाला मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर ई स्क्वायर बट्टे फोर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल आर। यहाँ देख लीजिए कैंसिल हो रहा है एक आर, पी बराबर एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपान फोर आर, और यहाँ पर मिलेगा एम स्क्वायर ई स्क्वायर कैपिटल आर अपान फोर स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा मिला, ये पावर के लिए व्यंजक मिला है। आपका जो सेल का कम्बिनेशन था ये समाप्त हुआ। आगे देख लीजिए जो हमको पढ़ना है वो किरचॉफ्स लॉ बचा है, इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई समस्या कहीं पर होगी किसी कॉन्सेप्ट में, चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो या मिक्स्ड हो, तो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।